लोग यहाँ पर फोर नंबर देखते हैं, यहाँ एपी दिया है 18, 15 इंटीजर 1/2, 13 ये कहाँ तक दिया है, माइनस के 47 तक। तो हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं कि लेट एन टर्म्स इन द गिवेन एपी, गिवेन एपी में एन टर्म्स है। तो इसका फर्स्ट टर्म हमें 18 देखने को मिल रहा है, कॉमन डिफरेंस की बात करें तो ए टू माइनस ए वन, इनकी 15 इंटीजर 1/2 माइनस का 18, यहाँ पर d इक्वल टू में हो जाएगा यहाँ पर 31/2 माइनस का 18, d इक्वल टू में हो जाएगा यहाँ एलसीएम ले लेते हैं 2, क्या हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा आपका 31 माइनस का 36, यानी आ जाएगा माइनस का 5/2, कॉमन डिफरेंस आ गया। हमने यहाँ पे दिया है कि n टर्म्स है एपी में, तो nth टर्म यहाँ पे माइनस का 47 ना होगा जी, nth टर्म माइनस का 47 हो जाएगा। इसके लिए फॉर्मूले जानते हैं, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू में माइनस का 47, फर्स्ट टर्म है 18 और प्लस एन माइनस वन इंटू में डी का वैल्यू यहां पर है माइनस का 5/2 इक्वल टू में माइनस का 47। 18 को उधर ले जाते हैं तो हो जाएगा एन माइनस वन इंटू में माइनस का 5/2 इक्वल टू में माइनस 47 और माइनस का 18। चलिए अब इसके बाद एन माइनस वन इंटू में माइनस का 5/2 इक्वल टू में हो जाएगा यहाँ पर कितना, माइनस का यहाँ पर आ जाएगा आपका 65। अब यहाँ एन माइनस वन इक्वल टू में माइनस 65 इंटू में 2/ में माइनस 5, ये आ गया इधर डिवाइड में, तो ये पलट गया, ये 5 माइनस 5 से इसे काट देते हैं 13/ में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, यहाँ पर n माइनस वन इक्वल टू में 26, ये वन जाके ऐड हो जाएगा 27। देयरफॉर लिख सकते हैं कि 27 टर्म्स इन द गिवेन एपी, गिवेन एपी में कितने टर्म्स है, 27, समझ गए। चलिए क्वेश्चन